हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? सर शिवन्या शुभमनी मौर्या के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबको राधे राधे। आज का ये ब्लॉग यहीं से स्टार्ट हो रहा है क्योंकि आज जा रही हैं दीदी, दोनों दिया जा रही हैं आज, तो यहीं से स्टार्ट करूंगी। अभी तो मतलब दीदी जा रही हैं अपनी फ्रेंड के यहाँ, लेकिन जो डिम्पल दीदी हैं वो आज 2-2:30 बजे तक चली जाएंगी क्योंकि उनकी भी बुड्डू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और पाकी भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हो। आपको बताया था अगले ब्लॉग में, पाकी की थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब है और गुड्डू को भी जुकाम हो रहा है, इसलिए दोनों जा रही हैं। बाकी फिर कभी आएंगी तो बोल रही हैं फिर कभी तेरे पास रुकूंगी। मेरी सिस्टर की भी आज की टिकट थी तो मैंने आज उन लोगों की कैंसिल करवाई टिकट, क्योंकि फिर वो घर में बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता, सभी चले जाते अचानक से, तो मैंने उन दोनों की टिकट कैंसिल करवाई। और ये लोग जा रही हैं आज, तो फिर आज मैंने सोचा चलो थोड़ा सा सूट ही कर लूँ, आप लोगों को दिखा दूँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ सबके लिए चाय। और अगला जो ब्लॉग है, आप लोगों की सबकी सब बहुत ज़्यादा डिमांड है कि कुछ लोगों को शायद पता होगा कि मेरे और मिसू दीदी के बीच में क्या हुआ था, कुछ लोगों को नहीं पता। और हम लोग सोशल मीडिया पर हैं तो ये तो बनता है आपका। और कई लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे तुम लोग कुछ लाते हो तो तुम लोगों को क्लियर भी करना चाहिए। हम लोग लाते कुछ नहीं हैं, बस ये है कि हाँ हम हैं सोशल मीडिया पे, तो आप लोगों को इसलिए पता चल जाता है हमारे बीच का कुछ भी होता है, क्योंकि हम एक दूसरे को अनफॉलो कर देते हैं, इस कारण से आप लोगों को पता चल जाता है। बाकी हम अपने उससे बताते नहीं हैं आप लोगों को कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। बाकी रही वीडियोज़ की बात, तो वीडियोज़ तो सभी डालते हैं, जिनके घर में अच्छा रहता है वो भी डालते हैं, जिनके घर में बुरा रहता है वो भी डालते हैं। मतलब ये है बात कि आप लोग उन वीडियो को एक दूसरे के लिए बोलते हो, वो डालते हैं तो आप लोग हमको बोलते हो कि ये हमने इनके लिए डाली है, और मैं डालती हूँ तो आप उनका बोलते हो कि मैंने उनके लिए डाली है। इस वजह से हम लोग आप लोगों को अलग अलग ब्लॉग बना के क्लियर करेंगे। साथ में ब्लॉग बनाने वाले थे लेकिन थोड़ा सा मतलब नहीं बना पाए, थोड़ा बिज़ी भी थे और दीदी को भी जाना था तो नहीं बना पाए ब्लॉग। लेकिन हाँ, हम आपको हमारी अलग अलग प्रोफाइल पे हमारे रिलेशन के बारे में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ब्लॉग आपको मिल जाएगा। बाकी का हम लोग जब साथ में इकट्ठे होंगे तो वो भी आपको ब्लॉग मिल जाएगा कि मेरा और दीदियों का रिश्ता मतलब कैसा है, उन लोगों के साथ मतलब कैसी है, कैसा क्या हुआ था, बड़े वाली डिम्पल दीदी के साथ क्या हुआ था, मीसू दीदी के साथ क्या हुआ था, आप लोगों को सब पता चल जाएगा। तो ब्लॉग बहुत जल्दी मिलेगा, सबसे पहले मीसू दीदी का ब्लॉग आएगा तो आपको सबसे पहले इन्हीं से सुनने को मिलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। यहाँ पे इन लोगों को कर रही थी ठीका क्योंकि शाम का टाइम हो गया था और दीदी को जीजू लेने आ गए थे तो जा रहे हैं। मम्मी को भी थोड़ा सा बुरा लग रहा था पर वो बोल रही थी बेटा अभी बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहीं पे हैं ये लोग तो आती जाती रहेंगी, पर जब तुम्हारे बीच कुछ होता है तब वहाँ पे बुरा लगता है कि तुम लोग बस खुश रहो। हमारा क्या है, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, बस तुम लोग खुश रहो, तुम लोग इकट्ठे रहो, हमारे जाने के बाद तुम लोग ऐसे ही रहना। मतलब उनका ये कहना है कि तुम अच्छे से रहो तो हमको कुछ भी लेना देना नहीं। ऐसा है कि बेटियां हमेशा के लिए घर पे नहीं रहती हैं किसी की भी, पर ये है कि हाँ आते जाते रहो कभी। अभी दीदी आई एक मतलब 2 ही दिन रुक पाई हैं, 2 दिन के लिए आई थी, अच्छा लगा, मम्मी को भी लगा हमको भी लगा। तो मैंने यहाँ पर पीहू को किया टीका और दीदी ने मेरे को किया। अब ये लोग जा रहे हैं और मेरी सिस्टर ड्रोन भी बोल रही थी दीदी हम भी चले जाते हैं, हमको भी बहुत बुरा लग रहा है दीदी चली गई। और यहाँ पे पापा की बात हो रही थी, इसकी लाइट की बिजली का मतलब बिल बहुत ज़्यादा आया था तो उसकी बात कर रहे थे ये लोग। और डिम्पल दीदी चली गई है, वो उनका सूट नहीं कर पाई क्योंकि उनको मतलब भूल गई थी मैं सूट करना, फिर दीदी ने बोला थोड़ा सा सूट कर ले। और ये बहुत अच्छी बात है कि ये लोग मतलब बहुत ज़्यादा वो हैं कि मतलब मेरे को आगे से बोलती हैं तू ये सूट कर ले वो सूट कर ले। वो डिम्पल दीदी का मैं सूट करना भूल गई थी, उनकी प्रोफाइल पे वो मिल जाएगा क्योंकि उन्होंने सूट किया था और ये हम दोनों ने सूट किया था, मैंने भी थोड़ा सा किया था, थोड़ा मिसू दीदी ने भी किया था। मेरे घर में बहुत अच्छी हो, मैं ये बोल रही थी यहाँ पर कि ये जो मेरी सिस्टर है ये मतलब ऐसे खड़ी होती है, पहले जब शुरुआत में मेरी शादी हुई थी तो मैं ऐसे ही खड़ी होती थी, मतलब मेरे को आदत थी, अब छूट गई है। लेकिन दीदी बोल रही थी कि देख तेरी भी ऐसी आदत थी ना, कोने में खड़ी होके चौखट पकड़ के खड़ी होती थी तू तो यहाँ पे मम्मी बोल रही हैं कब आओगे, दीदी बोल रही हैं आते रहेंगे संडे को और हम लोग कहीं मार्केट आर्केट साथ में जाएंगे, वो
आपको ब्लॉग मिलेगा। कहीं घूमने जाएंगे हम लोग साथ में, वो वाला ब्लॉग भी मिलेगा, क्योंकि जब हमारी बात होने लगती है तो हम कहीं भी जाते हैं साथ में ही जाते हैं, इतना प्यार है हमारे बीच। और इसको ये बर्थडे पे तीनों बच्चों को सोभी लेके आए थे, आरू को और तीनों को, मतलब चारों को, तो इसकी गुड़िया छूट गई थी ऊपर। अब ये दीदी ये बोल रही थी बहुत सूना सूना लगेगा, है ना तुम लोगों को, क्योंकि बच्चे रहते हैं ना, सोचो दो तीन चार बच्चे इकट्ठे हो जाएं, कैसी चहल पहल हो जाती है घर में। और खुशबू दीदी का आप लोगों को बताया था, खुशी दीदी क्यों नहीं आई, उनकी थोड़ी सी सास की तबीयत ख़राब है, इस कारण से नहीं आई। और ये हो गया था शाम का टाइम, मेरी दोनों सिस्टर हो गई थी रेडी, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं शादी में खाना खाने, हमारे जो पड़ोस में अंकल हैं उनके बेटी की शादी है, और मैं भी हो गई थी रेडी। यही सारी साड़ी मैंने मतलब बर्थडे में पहनी थी, और यही ऊपर मेरे को दिख गई तो मैंने ये पहन ली साड़ी, और हल्की भी बहुत ज़्यादा थी। और ये साड़ी के लिए भी मेरे पास एक दो मैसेज आए थे कि साड़ी कहाँ से ली, साड़ी मैंने यहीं से शॉप से ली इंदौर से, और मैं साड़ी में ठग भी गई बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा है नहीं जितने उन्होंने मेरे से पैसे ले लिए थे। दीदी ने बाद में बोला कि तेरे को साड़ियाँ वाड़ियाँ चाहिए हो ना, तो मैं से बोला कर मैं दिला के लाया करूँगी, क्योंकि मतलब उनकी हैं एक दो शॉप ऐसी उनके मतलब उनकी पहचान वालों की, जहाँ पे अच्छा कलेक्शन भी है उनके पास, और अच्छे बजट में हमारी साड़ियाँ भी मिल जाती हैं। तो मैंने कहा दीदी अब नेक्स्ट टाइम कहीं भी लूँगी तो आपसे ही बोलूँगी साड़ी का। तो हम लोग निकल गए थे, सोभी कार ले कर आ गए थे और पहुँच गए हैं शादी में। शाम को मेरी सिस्टर ऑन भी अगर जाएंगी तो वो वाला भी आप लोगों को ब्लॉग दिखाऊंगी मैं। सब भी पहुंच गए थे, और क्या बोलते उसका वो लोग भी आई थी 15-20 दिन के लिए, भी बुलाया था मैंने अपनी सिस्टर को, लेकिन जा इसलिए रही हैं क्योंकि उनके जो मेरे जो चाचा की लड़की है वो भी साथ में आई है, तो उनका फ़ोन आ रहा है बहुत ज़्यादा, इस कारण से वो लोग जा रही हैं घर पर जल्दी। खाना पीना करके हम लोग घर जाएंगे, और दीदी से ही बोला था मीसू दीदी से कि आप भी चलो। ये वाला व्लॉग करूँगी यहीं पे एंड में, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ कर लेना, और ब्लॉग लाइक आए तो लाइक करना और शेयर करना, और कमेंट ज़रूर करना कि आपको किस बारे में जानना है, किस बारे में ब्लॉग लाऊं, तो कमेंट ज़रूर करना, बताना कि किस बारे में ब्लॉग लाऊं मैं। और डिलीवरी का ब्लॉग मैं बहुत जल्दी लेके आऊँगी, आप लोगों की डिमांड है डिलीवरी का, तो डिलीवरी के 2 या 3 पार्ट ज़रूर बनेंगे, क्योंकि बहुत लंबी चौड़ी कहानी है डिलीवरी की मेरी, तो मतलब लाऊंगी बहुत जल्दी।